आईपीएल के 18वें मैच में एमए चिदंबरम स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 22 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई ने टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज की। इस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने पंजाब को लगातार तीसरे मुकाबले में हराया। उसे पिछली हार 2012 में मिली थी। चेन्नई ने पहले 20 ओवर में 3 विकेट पर 160 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रविचंद्रन अश्विन की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं पंजाब को एक स्थान का नुकसान हुआ, वह अब चौथे स्थान पर पहुंच गया। पंजाब के लिए सरफराज खान ने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक लगाया, उन्होंने 67 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 55 रन की पारी खेली। राहुल सरफराज ने तीसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। हरभजन ने गेलमयंक को अपने पहले ही ओवर में आउट किया। स्कॉट कुगलाइन ने 2 और दीपक चाहर ने 1 विकेट अपने नाम किया। डुप्लेसिस ने इस सीजन के अपने पहले ही मैच में अर्धशतक लगाया। इससे पहले चेन्नई के लिए फफ डुप्लेसिस ने सर्वाधिक 54 रन बनाए। इस सीजन में यह उनका पहला मैच है। उन्होंने आईपीएल करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। डुप्लेसिस वॉटसन ने पहले विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की। धोनी रायडू की अर्धशतकीय साझेदारी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 23 गेंद पर 37 रन की पारी खेली। धोनी ने चौथे विकेट के लिए रायडू के साथ 60 रन जोड़े। रायडू ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया। शेन वॉटसन ने 26, अंबाती रायडू ने 21 और सुरेश रैना ने 17 रन बनाए। पंजाब के लिए तीनों विकेट कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने लिए। चेन्नई ने 3 और पंजाब ने 2 बदलाव किए। इससे पहले पंजाब ने टीम में 2 बदलाव किए। क्रिस गेल और एड्रयू टायर की टीम में वापसी हुई। हार्डुस विलजोएन और मुजीबुर रहमान को बाहर कर दिया गया। वहीं चेन्नई ने 3 बदलाव किए। शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो और मोहित शर्मा की जगह हरभजन सिंह, फाफ डुप्लेसिस और स्कॉट कुगलिन को शामिल किया।